राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। गोपी जन बल्लभ गिरिवर धरी गोपी जन बल्लभ गिरिवर धरी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचरी जमुना तीर वनचरी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवर धरी गोपी जन बल्लभ गिरिवर धरी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचरी जमुना तीर वनचरी जय राधा माधव कुंज बिहारी। कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण
Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Ram. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna. Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Rama, 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 Hare Hare. Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama 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 Hare Hare Jnanatimirandhasy Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovishtam Sthapitanena Bhutale Swayam Rupa Kada Mayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi
प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलं कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृंदावनम रम्याकाचिदुपासना व्रजवधुवर्गे नया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमवुमार्धो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो न परः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय नित्यानंद जय नित्यानंद जय नित्यानंद नितई गौर प्रेमानंदे श्रील नामाचार्य हरिदास ठाकुर तिरुभावतिथि महोत्सव की जय श्री गौरनिताय की जय श्री प्रभुपाद की जय चैतन्य चरितामृत की जय गौर प्रेमानंद Hare Krishna. भक्तों का या जीवों का महासागर
देख के प्रसन्नता हो रही है। हरिभाव श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की भी और नौ और श्री हरिदास ठाकुर की आप सभी पर विशेष कृपा दृष्टि का फल या परिणाम ही है कि आप भी अब हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना हेतु भगवान प्रकट होते हैं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही नहीं साथ में राधा को भी जब वे ले आए श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य उन्होंने इस कलयुग के धर्म की स्थापना की जो नाम संकीर्तन धर्म है। कली कालेर धर्म हरि नाम संकीर्तन आर नई धर्म और कोई धर्म नहीं है। तो इस धर्म की स्थापना में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के असंख्य परिकरों का साथियों का योगदान रहा और विशेष ऐसे अग्रगण्य इस क्षेत्र में नाम के क्षेत्र में हरिदास ठाकुर रहे जिनको श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य की पदवी दी। आप नामाचार्य हो हरिदास ठाकुर का ओके तो आपके मध्य में वे प्रकट हुए हैं अपने विग्रह या मूर्ति के रूप में। जब आप सभी जय इस्कॉन न्यू दिल्ली और वैसे नॉट ओनली न्यू दिल्ली लेकिन सारा इस्कॉन का जगत हरिनाम सप्ताह में तल्लीन है मग्न है व्यस्त है तो उसी सप्ताह के मध्य में नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर का आविर्भाव तिथि भी बीच में आ गई और इसका हम स्वागत करते हैं। मानव आप जो भी कर रहे हो कीर्तन कर रहे हो यस कर रहे हो ये देख के भी हरिदास ठाकुर प्रसन्न हुए और आपके मध्य में प्रकट हुए और आपको और स्फूर्ति प्रदान करने हेतु उनका प्राकट्य विग्रह के रूप में स्मरण के रूप में भी हरिदास ठाकुर का स्मरण करेंगे तो भी
मन में प्रकट हुए ना, मन में उदित होते हैं हरिदास ठाकुर, तो वे उदित या प्रकट हुए हरिदास ठाकुर। अरे आपको सोने के लिए नहीं, जगने के लिए प्रेरित करते हैं, जीव जागो जीव जागो। गोरा चांद बोले, आज उनका तिरोभाव तिथि महोत्सव है। तिरोभाव आप शायद परिचित हुए होंगे इस नाम से या इस शब्द से। तिरोभाव और फिर आविर्भाव, आविर्भाव तिरोभाव। कल आविर्भाव था श्रील भक्त विनोद ठाकुर का आविर्भाव, और आज नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर का तिरोभाव तिथि महोत्सव। आज के दिन और जगन्नाथपुरी में और चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति में, और जब संकीर्तन सर्वत्र हो रहा था या वहाँ पर जहाँ से वे प्रस्थान करने वाले थे, प्रयाण उनका आज के दिन होना था, तो कीर्तन भी हो रहा था। ऐसे परिस्थिति में नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर का तिरोभाव आज के दिन 500 वर्ष पूर्व संपन्न हुआ। तो मैं सोच रहा था हम इस जगत के लोग, वैसे नहीं है हम इस जगत के, लेकिन कुछ समय के लिए इस जगत के हम लोग बने हैं। लेकिन नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर जगत के नहीं थे, जिनको आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, दूसरे जगत के, आउट ऑफ नॉट दिस वर्ल्ड, आउट ऑफ दिस दूसरे जगत के वे व्यक्तित्व रहे। तो दूसरे जगत के भक्त व्यक्ति अलग होते हैं, वैष्णव क्रिया मुद्रा न बुझा, विज्ञ न बुझा, वैष्णवों की। और फिर उन वैष्णव में श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के फिर क्रिया मुद्रा को कौन समझ सकता है, कठिन है। तभी हम कुछ कठिन तो है, प्रयास करेंगे नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर को समझने का। वे कौन थे और उनका चरित्र और उनका टीचिंग्स, उनकी शिक्षाएं, और विशेष थोड़ा अधिक हम समय बिताएंगे, पूरा दिन तो नहीं हमारे पास। तिरुभाव तिथि के समय जो घटनाक्रम हुआ उसका हम चैतन्य चरितामृत से पढ़ के कृष्णदास कविराज गोस्वामी से ही सुनेंगे, जैसे उन्होंने वर्णन किया है आज के इस तिरुभाव तिथि महोत्सव का। तो
नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जाए की जाए कहिए की जाए। नहीं तो हम लोग कहते रहते हैं इसकी जाए उसकी जाए। बहुत हो गया अभी, वी शुड स्टॉप। अमिताभ बच्चन की संसार के हमारे हीरोज और कुछ राजनेता तो कुछ अभिनेता तो जो तथा कथित ही हीरो है वह जीरो ही है। लेकिन हम की जाए बहुत समय से कहते आए हैं। अच्छा है कि वन ऑफ दिस डेज हम लोग थोड़ा उसको रोकथाम लगा दे। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के नामाचार्य श्री अर्धास ठाकुर के श्रील प्रभुपाद की एवं यश घुषुक त्रिभुवन, जिनके यश से पूरे संसार को भरना है, सर्वत्र उनका जय घोष हो। भगवान और भगवान के परिकरों का, शुद्ध भक्तों की जाए। ऐसा हम लोग कहेंगे तो फिर हमारी जाय होगी, नहीं तो पराजय निश्चित है, विल बी डिफीटेड, हमारा पराजय होगा, हम मरेंगे, मर के जिएंगे और जी के मरेंगे, ये सब पराभव है, पराजय है। और बहुत समय से ये हो रहा है, लेकिन अब की बार इस समय क्या हो, आप सब की जय हो। तो भगवान की और भगवान के भक्तों की गाथा कथा हम श्रवण करेंगे और उनकी जय कहेंगे तो हमारी जय निश्चित है। यतो धर्मः ततश जयः, ऐसा भी कहा, जहाँ धर्म है वहा जय है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो, वह विजय है। जहाँ कृष्ण है, जहाँ धनुर्धारी अर्जुन जैसे भक्त है, ऐसे ही जहाँ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है, और जहाँ नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर जैसे भक्त है, वहाँ क्या है, तत्र श्री विजय, वह विजय है। तो नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु ने इनको नाम के आचार्य बनाया। अरे अरे सोना मना है, निषेध है, वी शुड हैव सम साइन हियर। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको नाम का, नाम के आचार्य बना दिया, नाम के आचार्य, नामाचार्य। किंतु वैसे वे आचार्य तो थे ही, नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर ब्रह्मा थे, ब्रह्मा, ब्रह्मा प्रकट हुए। हरी हरी, इसका थोड़ा कुछ ऊंचा हो सकता है क्या वॉल्यूम? तो ब्रह्मा तो हम जिस परंपरा में आते हैं, श्री प्रभुपाद जिस परंपरा में आते हैं, वो परंपरा ही है ब्रह्म मध्व
गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। तो हमारे संप्रदाय के आदि आदि गुरु आदि आचार्य तो ब्रह्मा है, तो स्वयं ब्रह्मा ही प्रकट हुए, वे नामाचार्य हरिदास ठाकुर बने। ये उनको ब्रह्म हरिदास ठाकुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें ब्रह्म का ब्रह्म हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं? ब्रह्म हरिदास ठाकुर। स्कूल में होता है ना, बच्चों से दोहराते हैं। अच्छा, श्रवण कीर्तन भी होता है। और फिर हमने एक बार मुख से कहा तो फिर वो तो मन में बैठता है, स्मरण होता है। तो वह तो ब्रह्मा ने हमारे आचार्य ने इतिहास हुआ वृंदावन में कृष्ण कन्हैया के चरणों में बहुत बड़ा अपराध किया। ब्रह्मा ने भगवान के बछड़ों की और मित्रों की चोरी की, और सारा ब्रह्म विमोहन लीला में वो प्रसंग श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में आता है। तो ब्रह्मा समझ रहे थे कि मैं अपराधी हूँ, मैंने अपराध किया। तो ब्रह्मा मायापुर गए, और मायापुर के अंतरद्वीप में उन्हें तपस्या की। तपस्या से शुद्ध हुए, और भगवान प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से, और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्मा को दर्शन दिया। ये चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, उसके पहले की बात है। चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के पहले की बात है। भगवान तो अपने धाम में नित्य निवास और नित्य लीला संपन्न होती रहती है, तो चैतन्य महाप्रभु सदैव उनका निवास। तो चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिया, तो वह ब्रह्मा ने क्षमा याचना मांगी, और ब्रह्मा ने ये भी निवेदन किया कि प्रभु उनको पता चलता है, देवताओं को या विशेष ब्रह्मा को, अब आप प्रकट होने ही वाले हो इसी धाम में, आपकी प्रकट लीला। अभी तो अप्रकट लीला हो रही है या नित्य लीला हो रही है, अब समय आने वाला आपकी प्रासंगिक लीला या प्रकट लीला संपन्न होगी, तो मुझे भी उस लीला में मेरा भी प्रवेश हो, मुझे भी कोई स्थान मिले, ताकि मुझे आपके अंग संग प्राप्त हो, आपके सेवा का अवसर प्राप्त हो, ऐसी कृपा कीजिए। ऐसा निवेदन करने पर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने तथास्तु कह के इस निवेदन को स्वीकार किया, और उसी का परिणाम नामाचार्य हरिदास ठाकुर प्रकट हुए जन्म में। लेकिन भगवान ने उनको एक मुस्लिम परिवार में जन्म दिया। अब ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के पहले लगभग 50 वर्ष पूर्व इस अद्वैताचार्य भी लगभग या वॉज ऑफ चैतन्य महाप्रभु के जनरेशन के नहीं थे अद्वैताचार्य, चैतन्य महाप्रभु के पहले प्रकट हुए अद्वैताचार्य।
50 वर्ष की अवधि बताते हैं, तो हरिदास ठाकुर और अद्वैताचार्य समकालीन थे, भिन्न स्थानों पर उनका प्राकट्य या जन्मे हुए, लेकिन काल वही था। तो वह तो हरिदास ठाकुर हरिनाम का जप अब कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, और ये कहना होगा कि उनका हुआ जप तो सभी करते हैं, कई सारे करते हैं जप तो सभी कई सारे करते हैं, लेकिन उनको अपने जप में या मंत्र में मंत्र की सिद्धि उनको प्राप्त थी, मंत्र सिद्धि। मतलब साक्षात्कार इस महामंत्र के उच्चारण से सारे साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार, भगवत दर्शन। और जब वे जप करते तो सभी अष्टविकार उनके अंगों में प्रकट होते, रोमांचकं पाश्रुत रंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो शरीर का रोमांचित होना या और कभी कोई स्तंभित होना, स्तंभ जैसा, या भगवान का दर्शन होता है तो भगवान के दर्शन मात्र से व्यक्ति और जब करता या साधक स्तंभ जो वाओ ही स्टंड। और अश्रुधाराएं बहना लौटना, ये सब उनका जीवन ऐसा ही बना था। ऐसी अवस्था में उनको ऊंचा स्वाद, हायर टेस्ट, नाम नाम नामे रुचि, तो वेशा के साथ जो हरिदास ठाकुर का जो प्रसंग, रामचंद्र खान, राइट, नाम है रामचंद्र, एक बड़ा द्वेषी। हरिदास ठाकुर का नाम सर्वत्र फैल रहा था, उनकी ख्याति सर्वत्र सर्वत्र चर्चा, टॉक ऑफ द टाउन, हरिदास ठाकुर हरिदास ठाकुर हरिदास ठाकुर हरिदास ठाकुर। तो ये ऐसा गौरव गाथा जो फैल रही थी, कहीं से सहा नहीं जा रहा था, उसमें से रामचंद्र खान नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने ऐसा कुछ षड्यंत्र रचा और एक वेशा को तैयार किया, तुम जाओ और इसका पतन करो अपने अपने अंग संग से, और इसका फिर अपप्रचार होगा। अभी समझ गए, ये तो पाखंडी है हरिदास, ये तो असली नहीं है, नकली है, ऐसा हम प्रचार करेंगे, ऐसे इसकी योजना थी। तो वेशा हर रात्रि को, तीन रात्रि को आती रही, और हरिदास ठाकुर रात्रि के समय आती थी, तो हरिदास ठाकुर कहा करते, यस
वो अपनी इतनी इच्छा व्यक्त कर दी ना मैं आप जो भी आप समझ गए समझ सकते कल्पना कर सकते हो। तो हरिदास ठाकुर कहते कि मेरा 300,000 नाम का जप करना अभी भी बाकी है, जैसे पूरा होगा देन आई एम योर्स, मैं आपका और हम जो भी तुम चाहती हो वैसा होगा। तो हरिदास ठाकुर फिर जप में तल्लीन हो जाते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो उनका जप करते 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 वैसे उनका जप तो कभी समाप्त होता ही नहीं था, कीर्तनीय सदा हरि ऐसा उनका संकल्प था, ऐसी साधना थी। तो जप करते करते पूरा करते करते प्रातःकाल भोर हुई और हमेशा मैया आई थी इस बात का और उनको कुछ पता लग सकता है, इसीलिए वहाँ से निकल पड़ी। दूसरी रात को आई फिर हरिदास ठाकुर ने कहा यस यस कल थोड़ा ज़्यादा जब बचा था आज थोड़ा कम ही बचा है, तो तुम रुक जाओ मैं जब को पूरा करता हूँ। तो हरिदास ठाकुर अपना जब करने लगे, पुनः हो गई अर्ली मॉर्निंग और फिर वेशा चली गई। देन तीसरी रात को आती आज तो बहुत कम बचा है जाओ ओनली लिटिल बिट। तो तीसरी रात्रि को वेशा भी इस महात्मा का संग इस वेशा को प्राप्त हुआ था, तीन बड़ी भाग्यवान वेशा और अभी सुन रही थी। तो तीसरी रात्रि को हरिदास ठाकुर के शरण में आई, हरिदास ठाकुर ने उनको अपनी शिष्या बनाया और ये का नाम क्या था सब लख हीरा बेनापोल नाम का स्थान है बांग्लादेश में, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। मैं वहाँ कई बार गया हूँ तो उस स्थान पर। तो इस वेशा ने फिर 300,000 नाम का जप करना प्रारंभ किया। तो फिर हरिदास ठाकुर वहां से आगे प्रस्थान किए और अभी कह सकते हैं उन्होंने बॉर्डर क्रॉस की। उस समय तो ऐसा का बॉर्डर थी नहीं बांग्लादेश भारत, और फिर कुछ समय के लिए जहाँ रुके बेनापोल से आके मायापुर की दिशा में इंडिया के दिशा में जहाँ कुछ समय के लिए रुके तो उस स्थान का नाम हरिदासपुर हुआ। हरिदासपुर में हरिदासपुर भी अभी इस्कॉन हरिदासपुर बन गया। 1976 मायापुर फेस्टिवल के उपरांत श्रील प्रभुपाद स्वयं कई शिष्यों के साथ हरिदासपुर गए थे, मैं भी गया था। तो जहाँ हरिदासपुर में हरिदास ठाकुर ने अपनी साधना की, और उनकी साधना क्या है, नाम संकीर्तन जो कलयुग का धर्म है, सदैव नाम जप ही किया करते थे। वहाँ से भी आगे बढ़े हरिदास ठाकुर और फुलिया नाम के स्थान पर वे रहते थे, वह एक गुफा में रहते थे जो फुलिया शांतिपुर से ज़्यादा दूर नहीं है। शांतिपुर गंगा के तट पर है,
अद्वैताचार्य प्रभु का स्थान शांतिपुर से फोलिया कुछ दूरी पर है, तो वहाँ नामाचार्य हरिदास ठाकुर एक गुफा में रहते थे और उसी गुफा में एक उनके साथ एक रूममेट कहिए केव मेट एक सर्प भी रहता था और छोटा नहीं था, बड़ा मोटा था सर्प। लेकिन हरदास ठाकुर को कोई परवाह नहीं थी, अपनी साधना किया करते थे वहां पर भी। आप करोगे? आप में रोमांच जो भाव नाम जप करने से होना चाहिए, आप शास्त्रम भी स्नेक। तो वह हरिदास ठाकुर उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ा उन्हीं के साथ वे। लेकिन जिनको उनको मिलने के लिए आते थे उन्होंने नोट किया इनके साथ एक सांप भी रहता है, तो वे भयभीत थे, उनका आना जाना थोड़ा कम हो रहा था, वो डर रहे थे। तो फिर एक दिन सांप भी समझ गया कि मेरे यहाँ होने से हरिदास ठाकुर के मित्र का हो या अनुयायी का हो अनुचर का हो वे आना कुछ बंद कर रहे हैं। तो एक दिन सर्प वहाँ से निकल गया, बाय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए मायापुर में गौर पूर्णिमा के दिन, हरिदास ठाकुर और अद्वैताचार्य को इस बात का पता चला। वे सर्वज्ञ भी है, किसी ने कुछ मैसेज वगैरह नहीं भेजा, SMS नहीं भेजा, द बेबी इज बॉर्न। लेकिन ये दोनों शांतिपुर में गंगा के तट पर बड़े हर्ष और उल्लास के साथ नृत्य कर रहे थे, गौरंगा 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 गौरंगा। वैसे वहां के और लोगों को पता नहीं चल रहा था क्या व्हाट हैपेंड, अचानक क्या हुआ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का ये आगमन का आविर्भाव का इन दोनों ने स्वागत किया और हाथी घोड़ा पाल की जैसे नंद के घर आनंद भयो तो वही नंद नंदन अब सचिनंदन बने। तो कुछ भक्तों को जिनको पता चला वे हर्षित हुए और अपना हर्ष उल्लास व्यक्त कर रहे थे, उसमें थे हरिदास ठाकुर और अद्वैताचार्य भी। हरिदास ठाकुर फिर वहां से भी आगे बढ़े और एक समय सप्तग्राम नाम के ग्राम में या गांव में वे रहने लगे, जो वह रघुनाथ दास गोस्वामी का भी गांव रहा। रघुनाथ दास गोस्वामी छोटे थे, षड गोस्वामी वृंदों में से एक गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी, गोवर्धन मजमूदार और हिरण्य ऐसे हिरण्य उनके चाचा थे और गोवर्धन उनके पिताश्री थे रघुनाथ दास गोस्वामी के। तो वह जब सप्तग्राम में हरिदास ठाकुर
अपनी साधना कर रहे थे, तो एक दिन की बात है, धर्म सभा में एक गोपाल चक्रवर्ती नाम के व्यक्ति ने, जो वह अद्वैतवादी कहो या कुछ ज्ञानी ही भक्त थे, ज्ञान मिश्र भक्ति, तो उन्होंने शास्त्रार्थ प्रारंभ किया। हरिदास ठाकुर उस सभा में थे, उन्होंने सवाल पूछा हरिदास ठाकुर से, वे कहे कहो कहो, ये साक्षात्कार के मार्ग में या विधि विधान में किस अवस्था में व्यक्ति मुक्त होता है, भक्त होता है की बात नहीं हो जाए। उन्होंने भाई से समझा होगा, भक्ति और मुक्ति एक ही है, लेकिन हरिदास ठाकुर जानते थे मुक्ति और भक्ति में भेद। तो प्रश्न था, कब व्यक्ति मुक्त कब होता है? तो हरिदास ठाकुर ने जवाब दिया, नामाभास की अवस्था में। नामाभास ही व्यक्ति को, साधक को मुक्त कर देता है। ऐसे उन्होंने समझाया, रात्रि के समय तो कौन चोर डाकू इत्यादि बड़े व्यस्त रहते हैं और जनता को परेशान करते रहते हैं, और अन्य पशु भी रात्रि के समय हिंसक कृत्य करते रहते हैं, डाके डालते रहते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्योदय तो नहीं हुआ, सूर्योदय होना है भोर के समय, एट द डॉन, उसी वक्त क्या करते हैं सारे चोर डाकू और जो अन्य पशु जो परेशान करने वाले हैं, वे छिप जाते हैं। तो इनसे मनुष्य समाज कुछ मुक्त होता है, इनकी परेशानियों से या विघ्नों से मुक्त होते हैं लोग। जैसे अब सूर्योदय नहीं हुआ, सूर्योदय के पहले ही थोड़ा कुछ प्रकाश, सूर्योदय के पहले जो प्रकाश हो उसी वक्त मतलब मुक्त हो गए लोग। तो नामाभास की अवस्था में ही व्यक्ति साधक मुक्त होता है। जैसे अजामिल भी मुक्त हुए, यमदूतों के चंगुल से विष्णु दूतों ने उसको मुक्त कर दिया, वो उस वक्त वैकुंठ नहीं ले गए लेकिन मुक्त तो जरूर किया। तो अजामिल की मुक्ति नामाभास का परिणाम है, नामाभास का फल है। नामाभास नाम का आभास ही है अभी। तो इस उत्तर से ये गोपाल चक्रवर्ती बिल्कुल प्रसन्न नहीं था, और उसने और आगे तर्क वितर्क शास्त्रार्थ जारी ही रखा। और हरिदास ठाकुर ने जो उत्तर दिया था उसका खंडन मंडन करने लगा, और इसी के साथ उन्होंने कई सारे अपराध किए। नामाचार्य हरिदास ठाकुर के महान वैष्णव के चरणों में अपराध, और इसका दुष्परिणाम या फल ये हुआ कि ये गोपाल चक्रवर्ती या कोड को अरे कोड ही कहते हैं लेप्रसी, लेप्रसी उसके नाक को या लेप्रसी हुई, तो नाक काटा जाता ना कभी कभी, किसी को अपमानित करना है तो
नाक काटते हैं। ऐसे लक्ष्मण ने शूर्पणखा का क्या काटा, नाक काटा, और नाक जा गिरा तो उस स्थान का नाम नासिक हुआ, नासिका। तो इस व्यक्ति का, गोपाल चक्रवर्ती का, तो नाक गल गया। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर के तो उनकी उनकी जीत तो ऐसे ही हो ही चुकी थी, उनकी जीत ही होती रहती है सब समय। और इस प्रकार इस व्यक्ति का, अपराधी का पराजय हुआ। इस बात को सभी समझ गए हरिदास ठाकुर ने, नाम के महिमा का जो स्थापना किया उस सभा में, नामाभास से, केवल नामाभास से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। जिसको हुआ गोपाल चक्रवर्ती ने, इसको हुआ अतिशयोक्ति, हरि नामनी कल्पनम, एक नाम अपराध है, एग्जैजरेशन, नहीं नहीं ये थोड़ी हो। तो हरिदास ठाकुर को हरि नाम की महिमा को भली भांति जानते थे। तो उसी समय हरिदास ठाकुर का संग रघुनाथ दास गोस्वामी को भी मिला, जिसके कारण वे नित्यानंद प्रभु के चरणों में पहुंच गए आगे। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, और चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में थे, वहाँ भी हरिदास ठाकुर पहुँचे थे। वहाँ चैतन्य महाप्रभु को जब कहा कि उसके माँ ने कहा, सची माता ने कहा, बेटा निमाय तुम जगन्नाथपुरी में रहो। चैतन्य महाप्रभु की और कुछ योजना इच्छा थी वृंदावन जाने की, रहने की, लेकिन माँ का आदेश है। तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रस्थान कर रहे थे, कुछ भक्तों को साथ में लिया चैतन्य महाप्रभु ने और जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान किया। तो वह लेकिन हरिदास ठाकुर नहीं जा सके, और वे सोच रहे थे कि अब तो मेरे लिए मुश्किल होगा, मैं तो एकदम मुस्लिम परिवार में मेरा जन्म हुआ है, मुझे धाम में कैसे प्रवेश होगा, और जाऊंगा तो मैं दर्शन तो कर ही नहीं पाऊंगा जगन्नाथ के। तो वह बड़े हताश निराश थे हरिदास ठाकुर, उस समय तो नहीं जा सके, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने व्यवस्था की और हरिदास ठाकुर को भी पहुँचाए जगन्नाथपुरी, चैतन्य महाप्रभु के। और अब हरिदास ठाकुर जगन्नाथपुरी में उनका अपना भजन कुटीर बन गई, उनके साधना की स्थली हो गई। उनका मुख्य साधन क्या था, इस कलयुग का जो धर्म है, नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम, उस स्थान पर सदैव वे जप किया करते थे, सदैव जप किया करते, डे एंड नाइट ही चैंटिंग। तो वहीं से वे जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो चक्र होता है, चक्र, उसी का दर्शन करके अपना समाधान कराते थे। जगन्नाथपुरी में प्रवेश और दर्शन भूल जाओ, संभव ही नहीं था मुस्लिम परिवार में जन्म होने के कारण। किंतु होता था क्या, चैतन्य महाप्रभु जय गौर सही कृष्णा सही जगन्नाथ, जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ स्वयं कृष्णा
तो चैतन्य महाप्रभु भक्त बने हैं, भक्त अवतार, भक्त रूप धारण किया है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ के दर्शन के लिए जाते थे और जगन्नाथ के दर्शन के उपरांत चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को मिलने जाते थे। मतलब क्या होता था, अनु जगन्नाथ स्वामी ही उनको दर्शन देने के लिए जाते है माय दर्शन। 7:15 बज गए, 7:15 श्रृंगार दर्शन का समय, तो करो मेरा दर्शन। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्तों के साथ कीर्तन करते करते हरिदास ठाकुर के कुटिया पर पहुंच जाते और आचार्य हरिदास ठाकुर के क्या कहना, अब समझ रहे ऐसे दिस इज हरिदास ठाकुर। एक समय चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन भी किए और उस दिन जाते समय हरिदास ठाकुर के मिलने जाना था तो जगन्नाथ स्वामी का दातून, जगन्नाथ स्वामी दैट इज ब्रश, ब्रशिंग भी होता है, तो उस दातून को ले गए। और प्लास्टिक का नहीं था दातून, नीम का या हो बकुल, बकुल नाम के वृक्ष का दातून था। तो उसको ले गए और जहाँ हरिदास ठाकुर साधना किया करते थे वहीं पर उसको बोए या उगाए और फिर कुछ ही क्षणों में उसका वृक्ष बन गया। और फिर हरिदास ठाकुर के लिए दिन में हरिदास ठाकुर ऐसे इन ओपन अपनी साधना किया करते थे, आंधी या स्पेशली गर्मी के गर्मी में भी, तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं एक प्रकार से छाते की व्यवस्था की, ऐसे वृक्ष की शीतल छाया में मेरा हरिदास जप करेगा। तो भगवान पर्सनली टेकिंग केयर, अपने भक्त का स्वयं ख्याल करते थे। रूप गोस्वामी इत्यादि भक्त जब जगन्नाथपुरी आया करते थे गौड़ीय वैष्णव, तो वे हरिदास ठाकुर के साथ ही रहा करते थे। हरिदास ठाकुर के सिद्ध बकुल उस कुटिया में उनका भी निवास, हरिदास ठाकुर का सभी संग चाहते थे। ऐसे महात्मा का, ऐसे भक्त का, ऐसे गौर पार्षद का संग के लिए सभी लालायित होते। तो अब ओके तो फिर आज का दिन आ गया। एक दिन चैतन्य चरितामृत में कहा है, एक दिन गोविंद महाप्रसाद लैया हरिदासे दीते गेला आनंदित हैया। तो एक दिन की बात है, मतलब वैसे आज की बात नहीं कल की बात है, यस्टरडेज कल की, वन डे बिफोर। तो गौरांग महाप्रभु ने प्रसाद भेजा था, प्रसाद गोविंद के हाथ जगन्नाथ का प्रसाद भेजा हरिदास ठाकुर के लिए। देखे हरिदास ठाकुर करिया छे शयन, मंद मंद करी दे छे संख्या संकीर्तन। तो गोविंद जब प्रसाद लेके पहुंचा तो उन्होंने देखा कि यह हरिदास ठाकुर लेटे हैं, सब बैठे नहीं थे, लेटे थे, और लेटे लेटे मंद स्वर से का जप चल रहा है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो गोविंद ने कहा प्रसाद लीजिए, प्रसाद लीजिए, प्रसाद लीजिए। तो
हरिदास ठाकुर कहते हैं प्रसाद ना ना, मेरा जप पूरा नहीं हुआ। प्रसाद कैसे ले सकता हूं? यह है हरिदास ठाकुर। हमारे पास कोई प्रसाद लेके आएगा तो हम क्या करेंगे? माला को कहीं लटकाएंगे और महाप्रसाद है गोविंद है। हम सबसे अधिक उत्साही हम कब रहते हैं? प्रसाद के समय। वो भी भगवान का स्वरूप है प्रसाद, उसे हम लोग अधिक आकृष्ट। हरि कथा हरि नाम होता है तो फिर बाद में देखा जाएगा। और हम अपना स्वरा माला का जप होता है तो वी फील गुड, हो गया मेरा जप, फाइनली आई एम फिनिश्ड माय राउंड्स। किस बात का हर्ष? फिनिश माय राउंड्स। मुझे और भी करना चाहिए था जप। ये भाव ये विचार हरिदास ठाकुर से और जप। तो दूसरे दिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं आ गए। हरिदास कैसे हो? हरिदास, तो हरिदास ठाकुर ने कहा शरीर तो ठीक है लेकिन मेरा मन और बुद्धि ठीक नहीं है। क्या समस्या है? मेरा जो संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, मेरा जो संख्या है 300,000 नाम का जप, वो पूरा नहीं हो रहा है। मैं कहीं विघ्न आ रहे हैं या कुछ मंद मंद या धीरे हो रहा है जप, पूरा नहीं हो रहा है जप। कर तो रहे थे लेकिन पूरा नहीं हो रहा है जप। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुमको ये जो संख्या का जो नियम है इसके पालन की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जप कम करो या कहा है तो अपने जप को कम करो। हमको क्या कहना पड़ता है? जप को बढ़ाओ, जप को बढ़ाओ। लेकिन यहाँ चैतन्य में जप को कम करो हरिदास, कम करो। अभी तुम्हारे पास समय नहीं है, बड़ा विस्तार से डायलॉग भी हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु के मध्य का। तो हरिदास ठाकुर उनको पता चला है कि अब चैतन्य महाप्रभु प्रस्थान करेंगे इस संसार में और अधिक समय नहीं रुकेंगे। तो वह तो हरिदास ठाकुर कहते कि मैं I want to go first. मैं पहले प्रस्थान करना चाहता हूं, मुझसे वो सहा नहीं जाएगा, देखा नहीं जाएगा कि आप प्रस्थान मेरे आंखों के समक्ष आपको जाते हुए मैं देखूं, ऐसा नहीं अनुभव करना चाहता हूं मैं। मुझे पहले भेजिए, I want to go first. तो चैतन्य महाप्रभु
हरिदास ठाकुर की मनोकामना को, इच्छा को समझ गए तो फिर नेक्स्ट डे, मतलब वो आज का दिन है, चैतन्य महाप्रभु कई सारे भक्तों के साथ, वक्रेश्वर पंडित भी है, द डांसर, सर्व भट्टाचार्य भी है, स्वरूप दामोदर है, रामानंद राय है, इन सारे भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के कुटिया पर गए और वह भव्य दिव्य कीर्तन महोत्सव, कीर्तन मेला संपन्न हो रहा है। तो हरिदास ठाकुर भक्तों के चरणों की धूली में वहाँ लौट रहे हैं, कीर्तन में कीर्तन भी कर रहे हैं, धूली में लौट रहे, भक्तों को आलिंगन दे रहे हैं। और कीर्तन और चैतन्य महाप्रभु भी, उनका उदंड नृत्य हो रहा है, उदंड नृत्य एक विशेष नृत्य का प्रकार है। चैतन्य महाप्रभु ऐसे ऐसे उछलते हैं, वाज हाई इन द स्काई, ऊपर देख रहे हो, वाह गौरंग गौरंग। तो फिर हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल अपने हाथ में धारण किए है और उनका पूरा ध्यान चैतन्य महाप्रभु के मुखमंडल पर स्थित है। ऐसे भ्रमर पुष्प की ओर आकृष्ट होता है और मंडराता है, ऐसे हरिदास ठाकुर के सारा ध्यान चैतन्य महाप्रभु के सर्वांग का, स्पेशली कहा है उनके मुखमंडल का वे दर्शन कर रहे हैं। और फाइनली उन्होंने उनके मुख से श्री कृष्ण चैतन्य फिनिश, इतना तो करना स्वामी जब क्या प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले, तो गोविंद का गौरांग का श्री कृष्ण चैतन्य कहा, फिर और कुछ आगे नहीं कहा। और उनके चरण कमल का स्पर्श, मुखमंडल के दर्शन के साथ, और ये प्रयाण हरिदास ठाकुर का, यह लिखा है कृष्णदास कविराज लिखते हैं, ये प्रयाण प्रस्थान तिरोभाव वैसा ही रहा जैसे ग्रैंडफादर भीष्म पितामह ने कुरुक्षेत्र में प्रस्थान किया, भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में श्री कृष्ण भगवान का दर्शन हो रहा था, उनके नामों का उच्चारण के साथ जैसे ग्रैंडफादर भीष्म पितामह प्रस्थान किए, वैसे हरिदास ठाकुर ने प्रस्थान किया। तो फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के वपु को, शरीर को उठाया और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इज डांसिंग विद
कीर्तन हो ही रहा है, चैतन्य महाप्रभु भी नृत्य कर रहे हैं, हरिदास ठाकुर के विग्रह बपू को अपने हाथ में लिए, और उसी के साथ ये सारी शोभा यात्रा समुद्र के तट तक पहुंच जाती है और वह हरिदास ठाकुर के विग्रह का वपू का अभिषेक महादधि वहाँ समुद्र के जल से ही होता है। और चैतन्य महाप्रभु घोषित करते हैं ये सागर जो है विशेष सागर है, महादधि या पवित्र स्थली हो गया ये सागर भी। और फिर आगे की सारी प्रक्रिया समाधिस्थ करना है हरिदास ठाकुर को तो चैतन्य महाप्रभु के उपस्थिति में, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही सारे अंतिम संस्कार और समाधि का कार्य संपन्न किए। जगन्नाथ स्वामी के कुछ प्रसादी माला और वस्त्र गंध भी उनके हरिदास ठाकुर के शरीर में उसका लेपन या अर्पण हुआ, और समाधिस्थ हुए हरिदास ठाकुर जगन्नाथपुरी में श्री हरिदास ठाकुर की जाए कि समाधि है। आप देखे हो हरिदास ठाकुर समाधि? कौन कौन देखे? कौन कौन देखे? कई सारे तो फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और भक्त जगन्नाथ मंदिर के समक्ष जो सिंह द्वार है वहां पहुंचे, और वहां पर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अभी प्रसाद महाप्रसाद का वितरण होगा जो हरिदास ठाकुर का तिरोभाव तिथि महोत्सव संपन्न हुआ तो प्रसाद वितरण के साथ होगा संपन्न। तो वह चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपना जो उत्तरिया है वस्त्र है उसमें दुकान दुकान जाकर घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे, मेरे हरिदास ठाकुर के तिरुभाव तिथि के उपलक्ष्य में जो प्रसाद वितरण होगा आप भिक्षा दीजिए, भिक्षा आम देही। और फिर अंततो गत्वा सभी के लिए प्रसाद वितरण हुआ, चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे कि सभी को प्रसाद हरिदास ठाकुर का महाप्रसाद उनके तिरुभाव तिथि महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रसाद सबको मिले। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर तिरुभाव तिथि महोत्सव की तो ये हरे कृष्ण आंदोलन के आचार्य भी बन गए, ब्रह्मा पुनः ब्रह्म हरिदास ठाकुर बन के फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य की पदवी दी, और वे नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर
एक दृष्टि से प्रयाण भी किए, नहीं रहे लेकिन वे है भी, क्या समाधि है। वैष्णवों की समाधि, आचार्यों की समाधि, और जैसे स्मशान भूमि में जो भी होता है वैसा नहीं होती, वह उनकी उपस्थिति वह बनी रहती है जहाँ आचार्यों की समाधियाँ होती हैं। तो वो समाधिस्थ हरिदास ठाकुर आज भी है, और उनके वाणी के रूप में तो है ही, वपु सेवा और वाणी सेवा, और उनकी वाणी सेवा तो मुख्य क्या है, नाम संकीर्तन ही है। और आचार्य मतलब जो सिखाते हैं सारे संसार को, अपने उदाहरण से सिखाते, टीचिंग बाय एग्जाम्पल। तो चैतन्य महाप्रभु का जो उदाहरण रहा, नाम जप में उनका प्रेम रहा, और नॉट ओनली क्वांटिटी वाइज 3 लाख नाम का जप ही नहीं, साथ ही साथ इसमें क्वालिटी जप, भाव और प्रेम के साथ, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो उनका जप, उनका कीर्तन, हरि नाम का जप, ये प्रेम, तो प्रेम का स्वादन करते थे वे जब जप करते, मतलब कृष्ण का स्वादन करते थे। श्री राधिका माधवयोरपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम प्रतीक्षण अस्वादन लोलुपश्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर भी हमारे ऐसे गुरु है, आचार्य है, जिन्होंने अस्वादन किया, प्रतीक्षण अस्वादन लोलुपश्य, अस्वादन किया, अस्वादन रसास्वादन, किसका, नाम का, नाम का स्वादन किया, अनुभव किया, साक्षात्कार, अभिन्नत्वान अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, ये जो हम लोग सिद्धांत कहते हैं इसका साक्षात्कार, नाम और नामी में भेद नहीं। अभी नाम से रूप, रूप से फिर आगे गुण का स्वादन, गुण से लीला का स्वादन, धाम का स्वादन, नाम से ही तो सारा नामी जुड़े हैं। तो नाम का स्वादन से फिर भगवान के सौंदर्य का स्वादन, रूप का स्वादन, लीला का स्वादन, ये सब या उनके साक्षात्कार, अनुभव, एक्सपीरियंस, संसिद्धि, हरितोषणम, संसिद्धि, सिद्धि को प्राप्त आचार्य, और ये हम आज उनके तिरुभाव तिथि के उपलक्ष्य में भी उनके चरणों में प्रणाम और निवेदन करते हैं कि हमें भी कुछ समथिंग, हम भी आस्वादन, नामे रुचि, हमें भी नाम में रुचि प्राप्त हो, और फिर समझना चाहिए उसे, नाम में रुचि मतलब कृष्ण में रुचि, कृष्ण तो मधुर है, रुचकर, मराठी में रुचकर, इट्स वेरी टेस्टी, नाम और नामी भेद नहीं है। तो हमको भी ऐसा कुछ आस्वादन हो, और हम भी अपराध शून्य हैया लहो कृष्ण नाम, हम भी जप करे, कीर्तन करे, कैसे कीर्तन जप करे,
अपराध शून्य हैया लहो कृष्ण नाम। हरिदास ठाकुर का जब अपराध रहित, अपराध रहित शुद्ध नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह नित्य शुद्ध मुक्त पूर्ण अभिन्नत्वात् नाम नामिनौ। तो चैतन्य जो चिंतामणि जो रस है, भगवान के नाम का रस, ओ हरि नामे रुचि अपराधे घोचि ओदिन कबे हबे ओ दिन सही दिन अमार से प्रार्थना है। ओ दिन हमारा कब आएगा? ओ हरिदास ठाकुर हरि नामे रुचि अपराधे घोचि, हम हरि नाम में रुचि और अपराधों से हम कब मुक्त होंगे, ऐसा सुदिन हमारे जीवन में कब आएगा, यह आपकी कृपा से आ सकता है। और तो उनकी कृपा वैसे हम अपने श्रील प्रभुपाद अपने गुरुजनों के माध्यम से हम तक ये पहुँच सकती है।